अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम फिर से अपने पुराने सेटअप में किचन में मौजूद हैं। और आज हम क्या बना रहे हैं? हम चिकन के बर्गर बना रहे हैं और ये बर्गर काफ़ी देसी बर्गर हैं। और यहाँ ले लिए हाफ चिकन और इसे हाफ केजी चिकन वही हाफ केजी चिकन और इसमें मज़ीद चीज़ें डालने से पहले आप जल्दी से जाइए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे कंटिन्यू करें। और हमने इसमें चार पोटैटोज डाल दिए हैं और पोटैटो के साइज इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, तो हमने चार पीस पोटैटो के इसमें डाले हैं। और 1 कप हमने चने की दाल ली है। चार पोटैटोज और 1 कप चने की दाल यहाँ डाल दी है हमने। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो हमने ये 1.5 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, रेड चिली पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, स्पाइसी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम इसे, क्योंकि जब बर्गर असेंबल करेंगे तो हम हरी मिर्च जो है वो काट के ऊपर डालेंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा तीखा नहीं करना, तो हमने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गरम मसाला इसमें ऐड किया है। आई लव गरम मसाला, इसकी जब बनते वक्त खुशबू निकलती है, दैट्स अमेजिंग। ओके गाइस, आई थिंक रेड चिली में और थोड़ी ऐड करूँगी, बिकॉज कुछ लोग हैं जो रेड ग्रीन चिली नहीं खाएंगे बर्गर में, तो उनको फिर बिल्कुल फीका फीका ना लगे, तो थोड़ी मैं रेड चिली इसमें और ऐड कर दूँगी। अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे, ऑयल भी ऐड करेंगे। ओके गाइस, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके हल्की किसी आंच पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि इसकी ताकि चिकन दाल और दाल यूजुअली ज़्यादा टाइम लेती है, हमने भिगो के भी नहीं रखी थी, ये दाल काफ़ी टाइम लेती है बनने में, इसलिए हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। कवर करके हल्की आंच पे रख रहे हैं और जब तक ये बनेगा तब तक के लिए आप बने रहें। गाइस, हमने यहाँ पोटैटोज़ जो हैं वो अलग कर दिए हैं, अब हम चिकन और दाल को दो एक साथ इसमें पीस लेंगे। Thank you.
हम आगे को इसे मिक्स कर देंगे। गरम आप अपनी चॉइस पे धनिया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ धनिया चौक से कोई खाता नहीं तो हम इसलिए नहीं डाले। ये हो गया, अब हम इसमें अंडे का पंडा डालेंगे। अंडे का फंडा मिक्स हो चुका है, अब हम इसके पेटीज़ बनाएंगे। क्योंकि हम बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर के साइज़ के ही पेटीज़ बनाएंगे हम, ताकि वो बर्गर के ऊपर सही से आ जाए। हम ये साइज़ बना के इसके रखेंगे। हमने हल्का सा इसमें ब्रेड क्रम लगाया है, बिल्कुल हल्का सा, और हमने इसमें रख दिया। ऐसे हम बनाते जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम और आगे क्या करेंगे। हमारे पेटी यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, और जब तक फ्राई होते हैं तब तक आप बने रहें। Now I'm gonna spread mayonnaise on this bun. इसके ऊपर लाइक दिस। कहा था ना हमने पेटी बिल्कुल बर्गर के साइज का ही बनाया है। स्लाइस चीज रखेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और इसे हम बंद कर देंगे। लास्ट इसे हम माइक्रोवेव ओवन में हल्का सा घुमाएंगे ताकि चीज़ जो है इसकी गल जाए। सो ये फाइनल लुक है हमारे बर्गर का। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इसके जो पेटीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट थे अंदर से और बहुत ही जूसी थे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव, जो दिल में आए करें, लेकिन सही चीज़ गलत नहीं। अल्लाह हाफिज़।